हार्दिक पांड्या हुए इमोशनल, उन्होंने क्या कहा आप भी देखिएगा। कभी उस टाइम पे आई वाज, उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो है वो वापिस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं बहुत कंट्रोल किया, जब मुझे रोना भी था मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मैं जितने लोग जो खुश हो रहे थे मेरे डिफिकल्ट टाइम में, मुझे और उनको खुशी नहीं देनी थी और मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन आज जो 6 महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ, और देखे ऊपर वाले की कृपा, देखे कि मौका भी कैसा मिला। आखिरी ओवर में ऐसा एक सिचुएशन जहां मैं इमेजिन नहीं कर पाया, और क्या बताऊं, आई एम स्पीचलेस। पिछले काफी समय से हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच अनबन की खबरें आ रही है। ऐसी अफवाहें भी है कि दोनों अलग हो सकते हैं। इसी बीच भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वह कौन है ये बात किसी को क्लियर नहीं हो सकी है, लेकिन फोटो वायरल होते ही कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो हो सकता है कि वो नताशा से बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर में कुछ क्लियर पता नहीं चल पाया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफ़ी इमोशनल नज़र आए, किसी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो घर के किसी सदस्य से बात कर रहे हो, या उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या से भी बात कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि वह अपने बेटे अगस्त्य से बात कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नताशा से बात कर रहे हो। लेकिन फोटो के वायरल होने के बाद इस पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं।